नमस्कार, मैं केमिस्ट्रॉमिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चीन का काल बन गए हैं इस समय। जी हाँ साहब, चीन का काल इस समय बन गया है भारत, क्योंकि भारत चीन को हर एक मोर्चे पर उसको बर्बाद कर रहा है। चाहे एलएसी पर हो गया, चाहे और किसी भी मुद्दे पर हो गया, चाहे वो डोकलाम, पेंगोंग झील, कहीं भी हो गया। और अब अक्साई चीन वहां पर उसको करारा जवाब मिल रहा। लेकिन आज भारत ही नहीं, भारत ने अपने साथ यूएस यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाकर आखिर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी बना लिया है। इससे चीन के बीजिंग में तबाही मच गई है। तो क्या है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी जिसके वजह से चीन में तबाही मच गई है और जिनपिंग के सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। जिनपिंग के सत्ता वहां के लोगों के द्वारा जो गुस्सा है बीजिंग का, पूरे चीन का, उससे तबाही मची होगी। तो चलिए आपको दिखाता हूं ये वीडियो। और आज ये वीडियो देख करके आप कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पे, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उनका जो अब तक विदेशों पर जाने पर जो लोग तंज कसते थे, जो लोग कहते थे प्रधानमंत्री मोदी घूमने के लिए जाते हैं, उनको करारा तमाचा लग जाएगा। जी हाँ साहब, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, चलिए ले चलता हूँ खबर की तरफ। अनुरोध करूँगा जब हिंदुस्तान की खबर हो तो भारत माता की जय लिख दीजिए। नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए कमेंट बॉक्स में दो शब्द लिख दीजिए। और आज दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा देश हो, सारे वीटो पावर अगर चीन को छोड़ दें, वो भारत के साथ। आपको बताता हूँ क्या है आखिर जो है, चलिए बताता हूँ। तो भारतीय सीमा साउथ चाइना सी और हांगकांग और ताइवान में चीन की बढ़ती दादागिरी को मद्देनजर अब भारत यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अब आ चुके हैं। और उन लोगों ने एक साथ आकर के चीन की तबाही का एक परफॉर्मा तैयार कर लिया है। अमेरिका में बता दूं इस सबके बीच आपको कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए व्यापारिक सहयोग के चलते हजारों देश जो हैं वो साथ आ चुके हैं। और अब अधिक से अधिक सैन्य और व्यापारिक रिश्ते जो होंगे वो सहयोग करने के मकसद से ये संगठन काम करेगा। जी हाँ साहब, सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, सैनिक सहयोग के लिए जो ये संगठन है, जो भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का है, ये एक साथ काम करेगा और चीन को तबाह करेगा। क्योंकि ये स्पेशली किस लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि भारतीय सीमा पर स्टैंड अप जो इंडिया चाइना का है, उससे साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान में जो चीन की दादागिरी है उसको खत्म करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता दूं इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है, चारों देशों के बीच अधिक सैन्य सहयोग बढ़ सकेगा। यानी चारों देश एक साथ आकर बीजिंग की तबाही का इतिहास लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं फिलहाल इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जा रहा है। हालांकि चीन ने इस संगठन के अस्तित्व में आने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन इसको लेकर के यहां पर बड़ी खबर आ गई जो चीन के लिए एक मातम जैसी है। ये चारों जो देश हैं वो लोकतंत्र देश स्क्वाड के तहत आपसी साझेदारी करेंगे, और लेकिन फिलहाल ये एक अनौपचारिक संगठन ही है। और इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को बड़े जो समाधान में शामिल किया है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच मैं आपको बता दूं, इतना ही ट्रंप प्रशासन जो क्वाड देशों के जैसे समान विचार वालों देश साझेदार के साथ समन्वय स्थापित करने की बात को विकसित कर रहा है। एक नई व्यवस्था के तहत इसको विकसित किया जाएगा। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने के मुताबिक नवंबर 2017 में ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक साथ आ चुके थे। और लंबे समय के लिए ये क्वाड प्रबंधन जो था वो आकार दे अब दिया जा चुका है। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों को बिना किसी दबाव के, रोक टोक के चालू रखने का है। आपको बता दें कि यहाँ पर चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम, इसके कुछ हिस्से
हैं जो उसका दावा वो करता रहा है, और पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के ब्यूरो सहायक विदेश मंत्री जो हैं वो डेविड स्टीवलेट हैं, उन्होंने सीनेट के विदेश मामलों की समिति से कहा है कि आपने देखा है कि भारत इस संबंध में बहुत मजबूत है, आपने देखा है कि भारत इस संबंध में बहुत मजबूत है, हिंद प्रशांत की अवधारणा जो है उससे भारत को बड़े समाधान में इसमें शामिल किया है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीफन बेनन है, उन्होंने कहा है कि क्वाइट साझा हितों के लिए आधार पर गठबंधन का अनौपचारिक जो है औपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए इसी महीने के अक्टूबर के अंत तक नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की योजना किया जाना है। स्टीफन बेगन का यह टिप्पणी भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के दूतों में एक संयुक्त पहल की शुरुआत करेंगे और यह सहमति मिलने के बाद आएगी। एशिया में ये जो संगठन होगा वो नाटो जैसा संगठन होगा। नाटो आपको पता है जो कि डिफेंस के लिए बहुत अहम माना जाता है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हैं। तो ये चार देशों का नाटो होगा और इसमें सीधे तौर पर इसका मकसद ये होगा कि चीन की बर्बादी इसको किसने जल्दी और कैसे किया जा सके। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि अमेरिका अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के नज़रिए से एक नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। चीन की महत्वाकांक्षी जो वन बेल्ट वन रोड के आर्थिक परियोजना के चलते ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देशों में उसके सैन्य अड्डे बन रहे हैं और अमेरिका इससे बड़ा चिंतित है। क्वाड के जरिए अमेरिका दक्षिण एशिया के कई बड़े देशों को भारत जापान को चीन के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है और इसका सीधे तौर पर भारत को फायदा मिलेगा। तो भारत को इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि चीन की जो ये हरकत है वो कहीं ना कहीं अब चीन को करारा जवाब देगा। तो ये भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन की दादागिरी के निपटने के लिए क्वाड स्क्वाड्रल सिक्योरिटी डायलॉग की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की सहमति दे दी है। अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब दक्षिण एशिया में भी एक नाटो जैसा संगठन की जरूरत है। तो यानी कि ये बात तो साफ है कि यहाँ पर अमेरिका अब चीन की जो चीन जिस प्रकार से कृत्य कर रहा है उसको अब पूरी तरह से अब उसको करारा जवाब मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसका सबसे अहम जो बात है वो ये बात है कि आखिर चीन बार बार जब भारत को धमकी देता है तो कहता है कि उसे अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, नहीं भारत को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, आखिर ये धमकी क्यों देता है और आखिर भारत के साथ अमेरिका क्यों खड़ा हुआ है, उसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं और उससे ट्रंप हमेशा एश्योर रहते हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर किसी देश को ये जो हमारे साथ है वो भारत ही है, तो ऐसे में भारत के साथ हमेशा अमेरिका रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ, एक तरह से आज अगर मैं बात करूँ तो एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व की बात करें, एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व जो है वो बहुत कम हो चुका है, वो बहुत घट चुका है था। अब ऐसे में भारत के साथ उसके रिश्ते बनने से, जो रूस के साथ उससे रिश्ते खराब थे, वो रूस भारत के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यानी रूस और भारत के अच्छे रिश्ते, अमेरिका और भारत के अच्छे रिश्ते, इससे अमेरिका और रूस के रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। और एक बार नहीं देखा गया, ये कई बार कई मौकों पर देखा गया है जब भारत ने कई ऐसे मुद्दों पर जहां पर चीन अमेरिका से भी आके जाके कुछ ऐसे डिफेंस डील लेकर ली है जिसको लेकर के अमेरिका हक्का बक्का रह गया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने वो सारे डीलें की हैं जो वो चाहता था रूस से, और उसके बावजूद भी ट्रंप ने उन डीलों पर बिना किसी शर्त के उन्हें छोड़ दिया है, यानी कि उन पर कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, चाहे S-400 आप जानते हैं बखूबी S-500 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी तक हम पढ़ते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, चाइना की बर्बादी तक अब जंग रहेगी कि नारे रहेंगे, चाइना की बर्बादी और पाकिस्तान की बर्बादी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इस बर्बादी के सबसे अहम कड़ी होंगे कुछ
कहीं ना कहीं चीन के जिनपिंग और इमरान खान जो है इनके इनको बर्बाद सबसे पहले किया।